Hey guys, this is me, Rabi here. This is me, Azu here. We guys are back with another reaction video. So guys, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आज़ू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़म, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो गाइस, आज हम स्टूडियो प्रोडक्शन देने वाले हैं, वो एक पाकिस्तानी हिंदू हैं जो इंडिया गए हुए हैं, वो इंडिया की ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, जिनकी जनरल क्लास ट्रेन पे, तो उसका उस पर प्रोडक्शन देने वाले हैं। तो मैं आपको टाइटल बता देता हूँ वीडियो का, पाकिस्तानी फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन इंडियन जनरल क्लास ट्रेन। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। काफी अच्छी और न्यू यहाँ पे ट्रेन जो है वो देखने को मिलती है, बिल्कुल न्यू ट्रेन है। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त मैं आया हूँ जो स्टेशन पे, जोधपुर स्टेशन से, और यहाँ से आज पहली बार इंडियन ट्रेन का जो है वो सफ़र करूँगा, बताऊँगा आपको अपना एक्सपीरियंस। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दिखाने आया था कि ये है वेटिंग एरिया, और वेटिंग एरिया के साथ ही यहाँ पर सामान स्कैन होता है, उसके बाद सीधा जो है वो स्टेशन पे जाते हैं लोग। काफ़ी सस्ता यहाँ पे टिकट है, और अब हम खुद भी अपना टिकट जो है वो बाहर मशीनें लगी हुई, उस मशीन की तरफ से उसकी मदद से जो है वो टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन और अच्छा यहाँ पे सिस्टम, और काफ़ी ज़्यादा सफाई, और सफाई तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। जोधपुर स्टेशन है ये, और काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत नाइट के वक़्त ये दिखता है, काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी हमने दादर की ट्रेन की टिकट बुक करी है, और अभी हम फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और वहाँ से जो अपना लेते हैं सीट और सीधा फिर चलते हैं। अच्छा चलो, तो गाइस हम ना थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताता चलता हूँ। अगर आपने जोधपुर से मुंबई के लिए जाना है तो आपको ना दो ट्रेन जो है वो मिलेंगी। एक ट्रेन मिलेगी आपको शाम को 7 बजे, जो कि 16 घंटे की जर्नी तय करके 930 किलोमीटर की दूरी तय करके वो आपको पहुंच जाएगी तकरीबन सुबह 11:30 बजे, मतलब शाम के 7 बजे से चल के पूरा रात और सुबह 11 बजे के करीब आपको मुंबई के ऑल स्टेशन पे आपको छोड़ेगी, ठीक है। अगर वो नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा, और मॉर्निंग 5:05 पे और दादर एक्सप्रेस ट्रेन है वो यहाँ से चलेगी, और वो भी 16 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके तकरीबन 930 किलोमीटर की जर्नी तय करके वो आपको छोड़ेगी सीधा दादर स्टेशन पर, ठीक है, ट्रेन की। अच्छा तो फ्रेंड, ये है वो गाड़ी 14807 जोधपुर दादर एक्सप्रेस, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाएगी सुबह मॉर्निंग के टाइम, सही, ये वाली ट्रेन। तो ये है जी ट्रेन, काफी खूबसूरत और अच्छी ट्रेन है। ऐसा कुछ होता है इस कारण से मैं आज पहली बार जो है वो इसे एक्सपीरियंस करूंगा, काफी ज्यादा तक मैं जो है वो ट्रेवल कर चुका हूँ, तो काफी अच्छा सीन होता है, काफी अच्छी और न्यू यहाँ पे ट्रेन जो है वो देखने को मिलती है, और काफी अच्छा यहाँ पे लगता है। और आप देख पा रहे हो बिल्कुल न्यू ट्रेन है, बिल्कुल खूबसूरत और अच्छी ट्रेन का जो है ये जर्नी है। फ्रेंड आपने देख लिया, ट्रेन भी काफी अच्छी है, खूबसूरत है, न्यू है, या लुक देख पा रहे हो, काफी अच्छी ट्रेन है, न्यू है बिल्कुल। तो ट्रेन स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी ली जाए, तो अभी चाय पी रहे, बताते हैं टेस्ट करके कैसी है। ये इंडिया की चाय है जी, देखो इस तरह से मिलती है।
टेस्ट काफी अच्छा है, हर जगह पे अलग अलग टेस्ट की चाय देखने को मिलती है। दोस्तों ट्रेन किस तरह से अटैच होती है अपने डिब्बों से वो आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड अभी तक तो ट्रेन चली रही है, सारा दिन चली है और सारी रात चली है, तकरीबन आधी रात के टाइम हम अभी फिलहाल बोरी वैली पे आके पहुँचे हैं। बोरी वैली नाम है इसका, मैंने मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखा था। तो बोरी वैली अभी पहुँचे हैं स्टेशन पे, बोरी वैली स्टेशन के बाद ही दादर स्टेशन आएगा। तो ये थी जी हमारी आज की जर्नी मुंबई की। जब गाइस में जब मुंबई पहुंचा तब मैंने कैमरा निकाला और ट्रेन के डिब्बे से ही, बोगी से ही, बाहर से ही, खिड़की से ही मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की इसकी मुंबई की। तो भाई रात के टाइम जो बिल्डिंगें मुझे देखने को मिली कमाल, और उससे भी कमाल यहाँ के रेलवे स्टेशन, भाई टोटली इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पर दौड़ रही है। उसके अलावा बहुत सारी किस्मों की ट्रेन यहाँ पर मुझे देखने को मिली है और वो भी टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी, कमाल। इस जैसा मैंने सिटी पहले अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखा। और जो मुंबई का मुझे नज़ारा देखने को मिला भाई, इतनी टॉल बिल्डिंगें और चमक रही है, धमक रही है, खूबसूरत। फिलहाल तो हम अभी जो है वो स्टेशन पहुँचे हैं बोरीवली, और उसके बाद फाइनली जो हम पहुँचेंगे दादर स्टेशन, नाइट वहाँ पे रहेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉग होगा वो इसी सिटी का होगा। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप दोस्तों का प्यार चाहिए तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बहुत अच्छा लगा देख के, जो मैंने देखा है ट्रेन जो स्टेशन था वो तो बिल्कुल साफ सुथरे थे, बट ट्रेन बहुत अच्छी थी। बस मैंने देखा रश नहीं था ट्रेन में, ये पहली दफा देखा मैंने ट्रेन बना चकाचक भरी होती है, लेकिन लोग तो बार ऐसे सोए हुए जैसे बहुत रश होगा। हाँ लोग सोए हुए थे शायद, वो उनकी वेट कर रहे थे उनके लिए कोई ट्रेन चलनी होगी, लेकिन वहाँ ये बड़ा ऑकवर्ड से लगा कि बहुत सारे लोग जमीन पे सो रहे थे, तो बड़ा अजीब से लग रहा है। यार ये भी हो सकता है कि जो होमलेस होते हैं वो ना सो रहे हैं, ये भी हो सकता है। स्टेशन में आके सोएंगे जब छत होती है ना, छत की वजह से होते होंगे, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये आप बताएं हमें कमेंट्स में। लेकिन वैसे जो है स्टेशन पे साफ सुथरा था और ट्रेन भी बिल्कुल साफ सुथरी थी, और लेकिन रश ट्रेन में नहीं बिल्कुल था। ये बड़ा अजीब से था कि कोई लोग जाते नहीं है शायद, वो इतनी जर्नी लंबी कर नहीं करते नहीं होंगे। हाई राइज बिल्डिंग्स और मुंबई की एक वाइब है वो आना शुरू हो गई, तो एक पाकिस्तानी एक्सपीरियंस था, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये जनरल क्लास ट्रेन थी, हाँ ये सबसे बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास है, ये कोई बहुत ही लग्जूरियस क्लास वाली नहीं है, बिल्कुल सस्ती सबसे बेसिक क्लास जो होती है वो है, और वो भी इतनी साफ सुथरी थी, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमारे पास हमारे से जब बेसिक क्लास होगी वो तो हम बैठ नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। ये बिल्कुल बेसिक थी जो मतलब कि आम हर कोई मतलब कि एवरी बंदे की रीच में होगी वो वाली थी, लेकिन वो भी साफ सुथरी लगी है। मतलब कि उसमें हम कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं इसके अंदर वो ये नहीं था वो नहीं था, ठीक थी। मतलब कि उस पॉइंट पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं थी, बिल्कुल बेसिकली थी बेसिक ही, लेकिन जो उसको उन्होंने प्रोवाइड की जहाँ जिसमें वो जा रहे थे वो लेटेस्ट ही थी ट्रेन, मतलब कि नई ट्रेन थी बिल्कुल, बहुत पुराने साल की थी वो, लेटेस्ट उसको अपग्रेड हुआ हुआ था। सो गाइस दिस वाज द वीडियो, एंड ये एक एक्सपीरियंस था, एक पाकिस्तानी था जो उन्होंने अपना
अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उनके कैमरा के लेंस के थ्रू, हम देख रहे थे कि वो क्या क्या कर रहे हैं एक्सपीरियंस। सो आई होप सो कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।